अस्सलामुअलैकुम गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो है तुर्की पे। इस वीडियो में आप मेरे तुर्की के ट्रिप की जो हाइलाइट्स हैं वो देखेंगे, उसके अलावा जहाँ जहाँ मैंने विज़िट किया, जो जो प्लेसेस मैंने घूमी और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे, वो सब मैं शेयर करूँगा। तुर्की एक बहुत ही प्यारा मुल्क है और जितने भी कंट्रीज़ मैंने अभी तक विज़िट किए, ये उनमें से वन ऑफ द बेस्ट था। सबसे पहले बात करते हैं फ़्लाइट की। दुबई से इस्तांबुल के लिए मेरी फ़्लाई दुबई की फ़्लाइट थी और इस्तांबुल में दो एयरपोर्ट्स हैं और दोनों एयरपोर्ट्स से बसेस जाती हैं सिटी सेंटर के लिए। तकरीबन 9 दिन का मेरा स्टे था वहाँ पे और जिसमें से 4 दिन इस्तांबुल में थे, 2 दिन कैपाडोकिया में, 2 दिन अंतालिया में और 1 दिन के लिए डेंजली पामुकाले विज़िट किया था। इस्तांबुल में मैंने सुल्तान अहमद स्क्वायर के पास और तकसीम स्क्वायर के पास स्टे किया था और होटल रूम में भी स्टे किया था जो तकरीबन 120-130 दिरहम तक था, और हॉस्टल्स में भी स्टे किया था जो 40-50 दिरहम में आपको पर नाइट के लिए मिल जाते हैं। इस्तांबुल में काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। सुल्तान अहमद स्क्वायर के पास आपको सुल्तान अहमद मॉस्क, जिसे ब्लू मॉस्क भी कहा जाता है, उसके अलावा तुपकपी पैलेस, हाजिया सूफिया और तुर्की आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम है वहाँ पे, और उसके अलावा ग्रैंड बाज़ार भी है। ये सब जगह आप बाय वॉक घूम सकते हैं। आप एक दिन सुल्तान अहमद स्क्वायर के पास अपना स्टे रख सकते हैं और ये सब जगह घूम सकते हैं, और नेक्स्ट डे तकसीम स्क्वायर में वहाँ जा सकते हैं। वहाँ से आप स्ट्रीट है वहाँ पे फेमस एक, अभी मुझे नाम मिस हो रहा है, उसके अलावा गिलाटा टावर है, सुलेमानिया मॉस्क है, तो वो सब भी आप देख सकते हैं। बाकी वहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी ज़बरदस्त है, बसेस, ट्रेन, ट्रैम सब अवेलेबल है, वो आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी फेमस जगह में जाने के लिए। सेकेंड सिटी जो मैं घूमा वो कैपाडोकिया, जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वीडियो में देख रहे हैं। इस्तांबुल से मैंने फ़्लाइट ली केसरी के लिए, वहाँ पे एयरपोर्ट है, नियरेस्ट एयरपोर्ट है, फिर वहाँ से बस ली कैपाडोकिया के लिए। इनसाइड कंट्री फ़्लाइट्स इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। इस्तांबुल से केसरी के लिए भी मैंने फ़्लाइट ली थी और उसके बाद अंतालिया से इस्तांबुल के लिए भी फ़्लाइट ली थी। कैपाडोकिया में जो फेमस है वो हॉट एयर बलून है, उसके अलावा 2 जो है ना डे ट्रिप के टूर्स होते हैं, उनमें से मैंने एक सेलेक्ट किया था। ये जो आप जो भी कैपाडोकिया में प्लेसेस देख रहे हैं वो मेरा डे ट्रिप था और उसी में ये सब आपको घुमाते हैं। इस टूर का जो सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगा वो अंडरग्राउंड सिटी था। आने वाली वीडियोज़ में डिटेल में वो आप उसकी वीडियो देखेंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है, तुर्किश खाने बड़े मज़े के और फेमस हैं, और वहाँ पे जो मेरा फेवरेट, जो मुझे मज़ा आया, वो सिकंदरिया कबाब और बारबेक्यू था। और खाने पीने के बजट की बात करें तो तकरीबन आपको पर मील ऑन एन एवरेज 50 दिरहम अपने माइंड में ये बजट रखना चाहिए। कैपाडोकिया से आपको ओवरनाइट बस मिलेगी जो आपको कैपाडोकिया से डेंजली लेके जाएगी वाया कोनिया, और वहाँ से फिर आप लोकल में डेंजली से पामुकाले की तरफ जा सकते हैं। ये थर्मल पूल जो है पामुकाले में, ये भी एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है और मस्ट विज़िट है अगर आप तुर्की जाएं, तो ये भी एक अलग ही एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। ये थर्मल पूल्स के अलावा वहाँ पे हॉट एयर बलून आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसके अलावा ये हिस्टोरिकल थिएटर और इसके साथ एक म्यूज़ियम भी था, वो भी आप विज़िट कर सकते हैं। पामुकाले में मैं सिर्फ सुबह आया था और शाम में वापस चले गया था, यहाँ पे मैंने स्टे नहीं किया। ये बस ये जो मेन स्पॉट थे, वो फेमस प्लेसेस थी, वो विज़िट करके मैं अंतालिया के लिए निकल गया था।
अगर आप तुर्की का ट्रिप प्लान कर रहे हैं और आपका इरादा है, आपने जो 4-5 मेन सिटीज़ हैं वहाँ के वो घूमने फिरने हैं, तो अपना ट्रिप जो है वो तकरीबन 10 से 15 दिन का मिनिमम रखिए। मेरा 9 दिन का ट्रिप था जो कि कम मुझे लगा, लेकिन मैं अकेले ट्रैवल कर रहा था, फिर भी जो मैंने प्लान किया था वो मैंने मैनेज कर लिया और सब जो जगह मैंने जो सोची थी प्लान की थी वो मैंने घूम भी ली। पामुकाले के बाद मैं वहाँ से अंतालिया के लिए गया जहाँ मैंने 2 दिन के लिए स्टे किया, और 2 दिन के बाद मेरी अंतालिया से फ़्लाइट थी इस्तांबुल के लिए वापस, और फिर मैं वापस एंड पे 1 से 2 दिन वापस इस्तांबुल में रहा। अंतालिया जो सिटी है वो एशिया की साइड पे है और बिल्कुल अपोजिट जो है वो इस्तांबुल दूसरी साइड पे, वो यूरोप की साइड में आता है। अंतालिया में जो प्लेसेस मैंने विज़िट की उनमें एक वो फोर्ट था वो विज़िट किया था, उसके अलावा हैड्रियंस गेट और ये दुदिन वाटरफॉल, ये काफ़ी फेमस है वहाँ पे। स्कैम्स की बात करें तो इस्तांबुल में आपको काफ़ी लोग ऐसे मिलेंगे, स्पेशली जो एयरपोर्ट पे जो बस जाती है स्टेशन पे तकसीम स्क्वायर के पास, वहाँ पे उनको मालूम है यहाँ से एयरपोर्ट से लोग आते हैं, तो उसके पास ही आप निकलो बस से तो आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको कहते हैं क्लब जाना है, बार जाना है, या मतलब कि ऐसी प्लेस में आपको लेके जाते हैं, तो आप उनको अवॉइड करें। आपको कहीं भी जाना है आप खुद प्लान कर सकते हैं, इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं। क्योंकि मुझे हॉस्टल में 2 लड़के मिले, वो साथ में आए हुए थे और उनको ऐसे ही स्कैमर्स ने बोला कि हम आपको यहाँ लेके जाते हैं वहाँ लेके जाते हैं, तो वो उनके साथ गए और वापसी में काफ़ी पैसे उनको वहाँ पे करने पड़े और जो वेस्ट गए। दुबई से वीज़ा की बात करें तो आपको VFS ग्लोबल जाना पड़ता है जो वाफी मॉल में है, उससे पहले आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है जो आप खुद भी कर सकते हैं, या अगर आपको किसी से करवाना है ट्रैवल एजेंसी वाले से आप उधर से भी करवा सकते हैं, और आपको वो फॉर्म फिल करके अपॉइंटमेंट लेके अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होंगे और अपॉइंटमेंट डेट पे VFS ग्लोबल जाना होगा। VFS ग्लोबल में आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होगा जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूछेंगे, पासपोर्ट, वीज़ा, फिर उसके बाद NOC स्टेटमेंट, इवन आपके अकोमोडेशन का भी पूछेंगे, आपके पास टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट हो तो आपके नाम तो वो भी लेके जा सकते हैं, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ओबियसली टिकट और होटल्स वगैरह वो भी लेके जाना है, तो आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होगा। पास्ट ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे, क्यों जाना है तुर्की में, ये सब छोटे मोटे सवाल पूछेंगे और आपके डॉक्यूमेंट ले देंगे। वहाँ पे वो VFS की फ़ीस भी लेंगे और एम्बेसी की जो फ़ीस है वो भी लेंगे। तकरीबन पूरा अगर आप खर्चे की बात करें फाइल बनाने में और ये सब एम्बेसी वगैरह की फ़ीस में, तकरीबन 800 दिरहम के आसपास मेरा खर्चा हो गया था, 800-900 दिरहम के आसपास।
इसमें सब इंक्लूड है, एम्बेसी की फ़ीस, VFS की फ़ीस और ट्रैवल एजेंसी को जो फॉर्म फिल करने, अपॉइंटमेंट बनाने के लिए, इंश्योरेंस करने के लिए, ये सारे जो फ़ीस वगैरह मैंने दी थी, ये कंबाइन बता रहा हूँ इतना खर्चा हुआ था। और वीज़ा प्रोसेस होने में तकरीबन 21 से 22 दिन लग गए थे और तकरीबन 15-16 दिन बाद मैंने उनको कॉल भी की कि अभी तक नहीं आया, तो उन्होंने कहा इन प्रोसेस है। और तकरीबन 21वें 22वें दिन मुझे जो है ना वो ईमेल रिसीव हुई कि आप अपना पासपोर्ट आके कलेक्ट कर लें। और फिर नेक्स्ट डे जो है मैं जाके VFS से अपना पासपोर्ट लिया जिसमें वीज़ा लगा हुआ था। 3 महीने की वैलिडिटी होती है और 1 महीना वहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। ये एक ब्रीफ वीडियो है जो मेरा तुर्की का ट्रिप था, उसको मैंने समराइज़ करने की कोशिश की है इसमें। आगे नेक्स्ट वीडियोस में आप डिटेल वीडियो देखेंगे इस्तांबुल की, कैपाडोकिया और बाकी जो भी मैंने वहाँ पे विज़िट किया उनके डिटेल वीडियोस आएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।